सबक बॉय स्काउट्स गर्ल गाइड अनवान सवाल जवाब सवाल नंबर एक स्काउट्स और गर्ल गाइड्स की तरबियत के दो फ़ायदे अपने अल्फाज में लिखें जवाब नंबर एक पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारने अपने और दूसरों के काम आने के तरीके मालूम होते हैं नंबर दो हर किस्म के मुश्किल हालात का बहादुरी से मुकाबला करना सीखा जाता है सवाल नंबर दो स्काउट्स और गर्ल्स गाइड की तरबियत ख़ास तौर पर किन हालात में बहुत काम आती है जवाब स्काउट्स और गर्ल्स गाइड की तरबियत ख़ास तौर पर हंगामी हालात मसलन जलजला जंग जलजला सैलाब या इसी तरह की नागहानी आफत या हालत में काम आती है सवाल नंबर तीन स्काउट्स और गर्ल्स गाइड की तहरीक किसने शुरू की और क्यों जवाब स्काउट तहरीक के बानी लॉर्ड बैटन पावल थे वो बरतानिया के फ़ौजी थे उन्होंने सोचा कि क्यों ना लड़के और लड़कियां इब्तदाई तालीम के दौरान लिखाई पढ़ाई के साथ कुछ ऐसे काम और हुनर सीखें जिनसे इनकी और इनके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों की जिंदगियां बेहतर हो सकें उन्होंने एक किताब लिखी जिसमें तरबियत का मुकम्मल प्रोग्राम था रफ्तार रफ्तार इस प्रोग्राम की शोहरत बढ़ी और दुनिया के बहुत से मुल्कों ने इसे अपना लिया सवाल नंबर चार इब्तदाई तिब्बी इमदाद किसे कहते हैं चोट जवाब चोट लगने ज़ख्मी होने या किसी और तकलीफ मसलन सांप या किसी कीड़े के काटने की सूरत में फौरी तौर पर मरीज़ की मदद करने को इब्तदाई तिब्बी इमदाद कहते हैं सवाल नंबर पाँच कोई से तीन हुनर लिखें जो स्काउट्स और गर्ल्स गाइड को सिखाए जाते हैं जवाब नंबर एक मुख्तलिफ आलात मसलन सेलफोन लैंडफोन घड़ी कंप्यूटर वगैरह के इस्तेमाल का तरीका जानना नंबर दो खाना बनाने दस्तरखान लगाने से लेकर घर की कुछ चीज़ों की खुद मरम्मत करना नंबर तीन बचत के फवाइद से आगाह होना और अपनी जेब खर्च में बचत करना सीखना अल्फाज तरबियत मायने तालीम सीखना सवान हयात हालात ज़िंदगी चाको चौबंद चुस्त तो तवाना नागहानी आफत अचानक आने वाली मुश्किल इब्तदाई तिब्बी इमदाद ज़ख्मियों या बीमारों की फौरी मदद हुनर खूबी अच्छाई एमसीक्यूज़ मारूजी सवालात दुरुस्त जवाब के दायरे को पेंसिल से भरी और ख़ाली जगह में लिखें अब्बू जो किताब अलमारी से तलाश करके लाए इसका नाम डैश था अकायद सादी बच्चों की कहानियाँ कलियाज इकबाल स्काउट तहरीक इसका आंसर है स्काउट तहरीक शाहीन स्काउट्स के लिए उम्र की हद शाहीन स्काउट्स के लिए उम्र की हद डैश है 6 से 11 साल 5 से 8 साल 9 से 12 साल 10 से 11 साल इसका आंसर है 6 से 11 साल लॉर्ड बैटन पावल का ताल्लुक डैश से था अमेरिका बरतानिया फ्रांस कनाडा इसका आंसर है बरतानिया लॉर्ड बैटन पावल ने एक डैश लिखी जिसमें तरबियत का मुकम्मल प्रोग्राम मौजूद था कहानी किताब नज़्म रिपोर्ट इसका आंसर है किताब अली ने डैश का हिस्सा बनने का पक्का इरादा कर लिया क्रिकेट टीम स्काउट तहरीक गर्ल्स गाइड मोहल्ला कमेटी इसका आंसर है स्काउट तहरीक